संबल जनपद के गुन्नौर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता राम खिलाड़ी यादव ने दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच एक स्वाभिमान सम्मान गोष्ठी कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जनपद संबल की तहसील गुन्नौर के गांव गौरीपुरा में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान दलित और पिछड़ा वर्ग को समाजवादी पार्टी के दौरान सम्मान देने और उनका साथ देने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश की सरकार दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इसको उखाड़ कर फेंकने में ही समाज की भलाई है। जब पत्रकारों ने नेताजी से हाथरस घटना के बारे में सवाल पूछा तो नेताजी ने कहा कि किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती तो उनके बच्चे मुखाग्नि देते, लेकिन यहाँ पर दलित की बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद प्रशासन ने पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में प्रदेश में बेरोजगारी, लूट, हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। एक तरह से यहां कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं बची है। प्रदेश सरकार बहन बेटियों की रक्षा करने में असफल नजर आ रही है। ऐसे आरोपों के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी कार्यवाही की जाएगी। अत्याचार किए, असहनीय अत्याचार है, दलित पिछड़े किसी को बख्शा नहीं गया है, बेरोजगार वादा की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में, सबका सम्मान सबका विकास, न किसी का सम्मान हुआ न किसी का विकास हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, एक किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला है, 15 लाख का वादा किया था, एक पैसा किसी के खाते में नहीं आया। ये जनता को गुमराह करके 2017 में इन्होंने सम्मान सरकार बनाई थी, नारे लगाते थे बहुत बड़े बड़े, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बात सरकार भाजपा की सरकार, इतना भ्रष्टाचार है ये सब आप लोग देख रहे हैं, जनता जान रही है। एक एक मोटरसाइकिल 5-5 हज़ार रुपये में चौराहे पर टूटती है, आने में वसूली की जाती है, खनन माफिया भाग रहे हैं, बिजली के बिल गृहता बढ़ा दिए गए। सर जिस तरह से ये जो है इन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की रक्षा करो, उसके अब भी यहाँ पे कुछ नए सामने आ रही हैं, उसके बाद रोज नया बढ़ता चला जा रहा है, रोज बलात्कार है, लूट है, हत्याएं हैं, दिल्ली है, आज आपने पढ़ा होगा, मन लगा चुका है, चैनल पर भी आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है उसने गोली पाल समाज के व्यक्ति के लड़के के लिए गोली मारी, और गोली मारने के बाद विधायक कह रहे हैं कि इंटरव्यू जानती हुई थी, क्रॉस केस दिखाया जाना चाहिए, नहीं मैं कहा तो धंधा ये कानून है सर। ये जो बलिया वाला कांड है वही तो है, और इसके अनुकूल एक और भी कांड, 2 कांड ऐसे हो चुके हैं, जैसे हाथरस वाला है, हाथरस मनीषा कांड है, इसमें से कई ऐसे कांड हैं जिसके बारे में बताइए। हमारे हिंदू धर्म या हमारे धर्म में संस्कार का अधिकार माता पिता को, अगर पिता बुजुर्ग होने के बाद कम हो जाते हैं तो बच्चे उनका दाह संस्कार करते हैं, परिवार दाह संस्कार करता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए अपनी बेटी के दाह संस्कार का यह अधिकार खत्म कर दिया, रात के 12 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ये कोई न्याय है? सर विशेष गतिविधियाँ जो है यहाँ की, इनकी जो गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ किस तरह की अनुकूलित हैं या नहीं है, इसके बारे में कुछ विशेष बताएं सर। इनकी तो मोनोपोली चली है, पूरा राज आपकी तरह चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ढूंढने सरेआम घूम रहे हैं, अब मेरठ में एक लाइट पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी का, फोटो लगा हुआ है स्टिकर ऐसी गाड़ी पे, और जो कराड़ो खेले लड़की जाती है उसको ले जाए बलात्कार अपने साथ चल दिया, कल की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान लीजिए भैया क्या काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाई कहीं कोई नई सड़क बनी हो, कहीं बिजली आई हो, कहीं कोई ट्यूबवेल लगे हो, कहीं नए स्कूल खुले हो, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज खुला हो, कहीं कोई बड़ा पुल बना हो, कौन सा काम बताइए। सर आपकी सरकार जो 2022 में क्या तैयारी कर रही है? हमारी सरकार की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, सर तैयारी नहीं है, जनता के बीच जा रहे हैं, आपकी लड़ रहे हैं, आपकी सरकार आ गई क्या, क्या 2022 में आएगी? इसके सर मूल उद्देश्य क्या रहेंगे सर, उसको कुछ विशेष कितने मूल उद्देश्य पर जब सरकार जब 2022 आएगा तब बताए जाएंगे, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। थैंक यू।